ये पंचवटी परिवार सौभाग्यशाली है अगर इस परिवार की अभिनंदन करें। ये आपके स्मृत क्रोश में सदैव अक्षर रहेगा। एक करोड़ तीस लाख पहले एक करोड़ था मैंने कहा नहीं नहीं मैं समर्पण कर रहा हूँ बेटा। अरे मैं पहले एक करोड़ का पैसा नहीं नहीं मैं समर्पण कर रहा हूँ बेटा। अरे मैं राघव परिवार के माध्यम से एक करोड़ तीस लाख का समर्पण कर रहा हूँ। पंचवटी परिवार से पंचवटी परिवार सीता जी का हरण हुआ था रावण के द्वारा पंचवटी में। और यह पंचवटी वैसी नहीं है, वहां सीता जी का हरण हुआ था, यहां से सीता जी का आहरण हो रहा है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मेरे मित्र देवेंद्रानंद गिरी एवं ज्योतिर्मयानंद वाम पार्श्व वर्तमान मेरे अनुज और मेरे मित्र भी चंपत राय जी अच्छा लगेगा इसके त्याग में। अब पंचवटी में राम चर्चा ही होगी, काम चर्चा नहीं होगी। अब पंचवटी में सुर परखा नहीं होगी, सीता जी ही होगी। सुर परखा का नाम कटेगा और सीता जी अब पंचवटी में रहेंगी, यहां से इनका हरण नहीं होगा, यहां माया में नहीं आएगा, यहां जटायु का आर जटायु का वह स्वर होगा जिसमें आगे पराजीध पति देखा। इन्होंने मेरी बात मान ली। आप सोचिए एक गृहस्थ परिवार जब से ये विधायक बने हरि संकेत मानस के आवर्तन हो चुके क्या कम बात है। मैं तो मेरा अंग वस्त्र कहाँ गया हो देखो भाई मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, अवधि बोलने मेरा सौभाग्य। मैं राकेश सिंह जी को आज अंग मैंने जो बात कही अक्षर आज पंचवटी इतना सुंदर लग रहा है, ये नहीं लग रहा कि राम जी के बनवास की पंचवटी है, ये तो अयोध्या की पंचवटी है। पंचानाम बटानाम समाहार पंचवटी पांच बट विश्वास पांच प्रकार का विश्वास जहां इकट्ठा हुआ। माताओं सामाजिक जीवन के प्रमुख कार्यकर्ता बंधुओं मंच पर विराजमान पंचवटी परिवार के मुखिया अनशन कैसे की जाती है, कोई समाज कोई देश अपने सम्मान की रक्षा कैसे करता है, अपमान का परिमार्जन कैसे होता है, तो यहाँ के श्रीश चंद्र दीक्षित इसी मिट्टी के आईपीएस ऑफिसर बने 1950 अथवा 51 में और उनकी पोस्टिंग हो गई अयोध्या में एज ट्रेनी। वहाँ एक तुलसी उद्यान है उसमें महारानी विक्टोरिया की एक मूर्ति रहती थी। कहने लगे देश आजाद हो गया अब इस विक्टोरिया का हिंदुस्तान में क्या काम।
और उन्होंने उस मूर्ति को 1953 में हटवाकर तुलसीदास जी की मूर्ति स्थापित की। अपने जीवन के अंतिम चरण में वो उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस बने। वो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के पहले DGP रहे। रिटायर होते ही राम जन्मभूमि आंदोलन में उन्होंने प्रवेश किया और फिर वो अधिकारी का अधिकार उन्होंने शायद हमारे अनुभव में तो कभी आने नहीं दिया। एक कार्यकर्ता बनकर रहे और 1990 की उस गोली कांड के अंदर वो साक्षी बनकर अंदर रहे। वो रायबरेली जब गोली कांड हो गया तो मुलायम सिंह जी से दोस्ती किसकी है, तो एक कौशल कुमार जी वो रायबरेली के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम के लिए अपना परिवार और घर छोड़ा, वो भी 1940-45 के कालखंड में। कौशल जी की मुलायम सिंह से दोस्ती रहती थी, इसलिए इस मामले में तनाव पैदा हो गया, इसको रिलैक्स करो, जो हो गया उसे भूल जाओ, फिलहाल का क्या होगा, खैर वो सब। ये तीन बातें तो रायबरेली की धरती से जुड़ी है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये राम जन्मभूमि का मंदिर, ये हिंदुस्तान की अस्मिता का मंदिर है, जिस स्थान को प्राप्त करने के लिए समाज ने 500 साल तक संघर्ष किया, भले ही जीते नहीं, हिम्मत कभी नहीं हारी, आगे बढ़ते रहे, लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, लड़ते रहे, जहां खड़े होना पड़ा खड़े हो गए, उसी का परिणाम है आज की स्थिति। ये जो सातत्य है, मैं इसको ऐसा सोचता हूं महाराज श्री कि गंगोत्री से चली धारा, रास्ते में कोई गड्ढा आ गया, आधिकारिक वक्तव्य देकर सूचित करना होगा कि कम से कम हिंदुस्तान के 4 लाख गांवों के समाज ने इसमें अपना योगदान प्रस्तुत किया है, यह आधिकारिक वक्तव्य देना पड़ेगा। शहरों के प्रत्येक वार्ड और मोहल्ले से चाहे 2 लोगों ने दिया है, दिया वो दिया नहीं है, दान किसी ने नहीं दिया, भगवान को कौन दान देगा, उनके सामने तो साष्टांग प्रणाम करके समर्पण किया जाता है, और इसलिए ये समर्पण किया है समाज। शायद कल हम श्रद्धा का समर्पण स्वीकार है, पूज्य चंपत राय जी ने ऐसा आशीर्वाद देकर के दोनों को वह निधि समर्पित कर दी है और दोनों ने पूज्य संत चरणों में प्रणाम के साथ ये आशीर्वाद ग्रहण किया। ये रोमांचक क्षण है निश्चित। बहुत ही कर्मयोगी कृपया ग्रहण करेंगे 2 मिनट में। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्ण